सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के साथ नया एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। फाइनली हमें भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी ये सब कुछ हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने ना एक स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था आज से 20 दिन पहले। सो हमें रिजल्ट उसका अभी आया है। सो उसके बीच में हमें स्विट्जरलैंड के लिए हमने शोर होकर वीज़ा नहीं अप्लाई किया था कि शो हमें वीज़ा नहीं ग्रांट होगा, स्विट्जरलैंड बहुत रिफ्यूज़ल कर रहा। सो उसने वीज़ा नहीं देना। सो हमने फिर भी जस्ट ट्राई की है कि हाँ भाई, बोला कि भाई हमने ना स्विट्जरलैंड से वीज़ा अप्लाई करना। सो हमने देखना है कि स्विट्जरलैंड क्या करता है, कैसे डिसीजन देगा, नहीं तो फिर हम स्पेन में लगा लेंगे। ऐसे भाई ने बोला था, हमने बोला कोई बात नहीं भाई, हम ट्राई करते हैं स्विट्जरलैंड के लिए। सो हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी फाइल करके उनको दी थी, हमने वीज़ा डाला था। सो हमने वेट भी की थी कि हाँ, हमें शोर था कि भाई रिफ्यूज़ होएगा स्विट्जरलैंड से। वो भाई को भी शोर था कि हाँ भाई, स्विट्जरलैंड रिफ्यूज़ है, मैं फाइल सबमिशन कराने गया, वहाँ पर काफ़ी लोगों का वीज़ा रिजेक्शन आया है, सो हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। सो मैं कहा भाई अब देखा जाएगा जो कुछ होएगा। सो हमने वेट करने के बाद हमने स्विट्जरलैंड से वीज़ा अप्रूव हो गया हमारा। सो हमें वीज़ा कितने दिन का मिला भाई, 30 डे का वीज़ा मिला हमें, मल्टीपल एंट्री के साथ हमें स्विट्जरलैंड से वीज़ा अप्रूव हुआ। सो आप सभी लोगों के साथ ही ये नया एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। सो मैं अब किस कंट्री में जारी फाइलें डाल रहा हूँ, सो हम स्पेन में काफ़ी फाइलें डाल रहे हैं। सो स्पेन का बहुत अच्छा सक्सेस रेट आ रहा है। सो स्विट्जरलैंड का भी अभी सक्सेस रेट बोल सकते अच्छा है या नहीं है। सो फर्स्ट फाइल थी हमारा एक वीज़ा था, अभी हम 10-12 फाइलें और डाल के देखेंगे हम स्विट्जरलैंड कैसा सक्सेस रेट दे रहा। जी 12 फाइलें के बीच में 10 वीज़े ग्रांट हो जाए, 8 हो जाए, सो सक्सेस रेट स्विट्जरलैंड का होएगा। सो अगर 4 से 5 वीज़े अप्रूव होते हैं स्विट्जरलैंड 12 फाइलें के बीच में 5 वीज़े देता है, सो स्विट्जरलैंड का सक्सेस रेट नहीं है। सो हम ऐसे भी मानेंगे। सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हमने इनका वीज़ा अप्रूव कराना भाई का। सो हमने फुल अपनी तरफ से कितनी हो सकती अच्छी से 80% फाइल बनाने के बाद हमें कवर लेटर भी अच्छा बनाना पड़ा, डी वाइज प्लान भी अच्छा बनाया। सो हमने फुल हेल्प की थी भाई की। सो हमें स्विट्जरलैंड से वीज़ा ग्रांट हो गया। सो आप लोग एनीवे कब भी आप लोग स्विट्जरलैंड में वीज़ा डालना चाहते हो, सो आप डाल दो एज अ रिस्क लेके। आपको सभी लोगों को नया एक्सपीरियंस मिलता है। सो आपको एक बात और बता दूँ, जो भाई लोग बोलते हैं कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद शेंजन में किसी कंट्री में वीज़ा नहीं मिलता, भाई ऐसा कुछ नहीं है। 5 रिफ्यूज़लों के बाद भी हमने वीज़ा अप्रूव किया था सेम कंट्री से, किस कंट्री से रिफ्यूज़ल आई थी उस कंट्री से हमने वीज़ा अप्रूव किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको रिफ्यूज़ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत गलत गाइड किया जा रहा है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको इतने दिन के लिए आपको रिफ्यूज़ किया, आप 6 मंथ वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको हम ऐसी लेटर में भी बोल सकते कि आप 6 मंथ में वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, हम ऐसी नहीं बोलते। वो बोलते कि रीअप्लाई वीज़ा कर सकते हो, ये हमारी तरफ से कोई गलती है, हमें अपील डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसा आप सभी लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँ, अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँ। सो